इस समय हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थ नगर के भरोलिया मंदिर पर और आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है हमारे साथ एक बाबा जी हैं गुरु जी हैं हम इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं त्यौहार ये क्यों मनाया जाता है और इस त्यौहार में क्या होता है बाबा जी पहले तो विलेज दस्तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी राधे राधे हम जो है अयोध्या धाम से हैं हमारा पुराना पंडित नितिन त्रिपाठी है और यज्ञ जो है सबका होता है यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान सबकी रक्षा करते हैं और आज शिवरात्रि का शुभ अवसर और इस पर सभी भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा है अपना अपना भाव है तो इसी प्रकार से ये सदियों से चला आ रहा है इसी प्रकार से होता है और जिस जगह इस समय आप मौजूद हैं इस जगह पे विगत कई वर्षों से यह कार्य होते आ रहा है जो नव दिवस का विष्णु महायज्ञ है इसका आयोजन ये लोग बड़े ही धूमधाम से कराते हैं और शिवरात्रि के दिन मेला का पर्व यहाँ मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से सब लोग उस पर्व में सम्मिलित होते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं आज हमारे यज्ञ की पूर्णावती है और भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे और बताइए मुझे जानना ये चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हमारा नाम पंडित नितिन दास है हम अयोध्या से जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं संस्कृत की वेद हमारा लग गया है और अभी ज्योतिष पढ़ रहे हैं भागवत की कथा लगा रहे हैं और हमारे ये महाराज जी हैं ये वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं महाराज जी को दिखाइए एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महाशिवरात्रि है ये क्यों खास है आज का महाशिवरात्रि और ये क्यों मनाया जाता है देखिए शिवरात्रि में ऐसा है भगवान शंकर जी की एक ये श्रावण मास में यही एक ऐसा दिन है जिस दिन शंकर भगवान का आविवेश रहता है भक्तों पे शिवरात्रि के दिन और यह इसकी दिन मात्र में रात्रि विशेष होती है इसकी पूजा रात्रि में विशेष मानी जाती है कि शिवरात्रि के पूरे रात्रि में शंकर भगवान अपने लिंग पे प्रस्थित प्र, 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 रहते हैं कि मतलब उनका वास रहता है उस समय अगर भक्त अपने सच्चे हृदय से सच्चे भाव से अगर भगवान से कुछ कहता है तो भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं छोटे बागेश्वर धाम तो जुड़ते हैं बाबा जी से और बातचीत करते हैं सबसे पहले तो नाम आपका जानना चाहिए हमारा नाम वैसे राज उपाध्याय है और शिक्षा दीक्षा अयोध्या धाम और वृंदावन धाम और अभी फिलहाल हमारा यहाँ श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में हमारा भागवत कथा का आज पूरावती है और आज शिव महा महापर्व भी हम लोग मना रहे हैं और इसी बीच हम लोग अपना पुड़ावती का भी समय बस मुहूर्त अभी ग्यारह बजे से अपना शुरू है और हम लोग फिर पुड़ावती की तैयारी कर रहे हैं बताया जा रहा है आज का जो महाशिवरात्रि वो कुछ खास है क्या वो खास है बहुत ही खास है क्योंकि देखिए भगवान हर जगह मौजूद हैं और शिव और पार्वती का विवाह इसलिए मनाया गया क्योंकि आप देखे हैं कि भागवत कथा में एक सती और शिव पार्वती का संवाद है जब भगवान जम्मा सती अपने मायके गई थी घर पे अपने तो भगवान की बात नहीं मानी थी जिससे उनको त्याग करना पड़ा तो फिर वही दूसरे जन्म में दूसरे के जन्म में जो हमारे की बहुत ही भगवान शिव का आराधना करके और उनको फिर प्राप्त पाया यही विशेषता कि देखिए शिव महापार्वती जो पर्व चल रहा है उसको हम लोग धूमधाम हर्षोल्लास से मनाते हैं जो जो शादीशुदा नहीं है या जो जो शादीशुदा है तो उनको क्या क्या करना चाहिए इसमें क्या-क्या? देखिए मान्यता तो यह है कि जिनको मतलब कि जो गर्भवती होती हैं उनको लिंग स्पर्श करना निषेध है और जो देखिए स्त्री हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बस पैर छू लें बस यही कृपा है और जो गर्भवती होती है उनको नहीं छूना चाहिए निषेध है और बाकी देखिए मन भाव अगर है तो भगवान हर जगह है और मन भाव नहीं है तो कुछ नहीं है